एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे निकली, आपको कहिए मैंने सेब गिर दिया था तो उसकी फोर्स मुझे बता दी, मास से डिवाइड किया, जी 9.8 आ गया, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो, बहुत एक्सपेरिमेंट से जी निकाल लेंगे। एक और तरीका है, क्या तरीका है, ये अर्थ है और ये मान लो एप्पल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक। शुक्र करो यहाँ मैंने पॉइंट दिखा दिया, मतलब अर्थ के सामने पॉइंट एक एप्पल कुछ भी नहीं है, ठीक, चलो फिर भी। तो इसमें एप्पल अर्थ को खींच रहा है और अर्थ एप्पल को खींच रही है, सिंपल, एक पॉइंट मास अर्थ को खींच रहा है और अर्थ पॉइंट मास को खींच रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। तो पॉइंट मास अर्थ को कैसे खींच रहा है, इनके बीच में फॉर्मूला लगेगा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। पर आर क्या लें, मैंने पूछा पॉइंट मास कहाँ पड़ा हुआ है, आपने कहा सरफेस ऑफ अर्थ पे, अर्थ से दूरी क्या लें, आपको कहे जीरो, जीरो नहीं, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप जो दूरियां लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, वो अर्थ के हमेशा सेंटर से लेंगे, सेंटर से। तो आप क्या मानेंगे कि सेंटर ऑफ अर्थ आपको खींच रहा है, तो पॉइंट मास और सेंटर के बीच में दूरी कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो पॉइंट मास है अर्थ को खींच रहा है बाय अ फोर्स ऑफ जी, अर्थ का मास एप्पल का मास बाय आर स्क्वायर, तो फिर अर्थ भी तो खींचेगी, तो अर्थ ने भी फोर्स लगाई। अब अर्थ ने फोर्स कैसे लगाई, इन टर्म्स ऑफ एम जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया कि वो एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से खींचेंगे, इन्हें इक्वेट कर लिया, छोटा एम से छोटा एम कैंसल, जी का फॉर्मूला आ गया जी बड़ा एम बाई आर स्क्वायर। तो इस स्मॉल जी की वैल्यू में, जी एम बाई आर स्क्वायर में, एम का मतलब क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, नॉट एप्पल, उस पॉइंट मास का तो मास ही कट गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के मास पे, जरूरी नहीं अर्थ है, जुपिटर हो सकता है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। तो ये मास ऑफ प्लैनेट है और ये क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे ये होगी। तो जी की वैल्यू में पता होती है, मास ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली पता होता है, रेडियस ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है, जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जी का फॉर्मूला क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने 9.8 निकाल लिया, 9.8 निकालने के तो बहुत तरीके हैं, सेब को गेर लू बोला ना, ये ऐसा मत करो। इंपॉर्टेंट ये है कि स्मॉल जी का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो और लिखो फॉर्मूला बुकलेट में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इसके इक्वल है, वेयर कैपिटल एम इज मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, और कैपिटल आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक, रेडियस ऑफ प्लैनेट। अभी एक स्टूडेंट बोल रहा है दूसरे बैच में, सर मून के लिए क्या करेंगे, मून पे तो ग्रेविटी होती नहीं है, होती है भाई, होती है, जी बाई सिक्स होती है, आप क्या मून का मास नहीं होता, होता है, मून का रेडियस नहीं होता है, होता है। तो मास और रेडियस दोनों होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, मास काफी छोटा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे जी बाई सिक्स होती है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर अर्थ के ऊपर कोई बच्चा खेल रहा है और जंप खेल रहा है, जंप मारता है 1 मीटर की, तो मून पे कितने मीटर मारेगा, 6 मीटर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6/1/6 है, तो 6 मीटर जंप लगेगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है।